नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और आप सब जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। और अब खबर बॉलीवुड से आ रही है सामने। एक्टर व गुरदासपुर के सांसद सनी देओल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 विवादों में आ गई है। फिल्म के एक सीन पर शिरोमणि गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी SGPC ने एतराज जताया है। दरअसल SGPC ने शनी के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। और दरअसल SGPC को गदर 2 के एक सीन पर एतराज है। और वह सीन क्या है, आपको बता दें, फिल्म का यह सीन एक गुरुद्वारे में फिल्माया गया है जिसमें सनी देओल व एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही एक ग्रुप पीछे गतका करते दिख रही है। फिल्म की अभी शूटिंग ही चल रही है और शूट करते हुए यह सीन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है, जिसके बाद SGPC के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवल ने कहा कि एक सिख होते हुए सनी देओल इस तरह के दृश्य को गुरुद्वारे के परिसर में फिल्मा रहे हैं तो दोनों एक ऐसी मुद्रा में हैं जो गुरुद्वारे परिसर में निंदा योग्य है और उन पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि गुरुद्वारे की मर्यादा है और इस तरह के दृश्य यहाँ नहीं फिल्माया जा सकता है। इससे पहले हिमाचल में, आपको बता दें कि इससे पहले भी हिमाचल में गदर 2 पर बवाल जमकर हुआ था। और दरअसल मेकर्स ने हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के गांव में वालेद के एक घर में फिल्म की शूटिंग की और उसके मालिक को तय शुदा पैसे नहीं दिया गया और गदर 2 के मेकर्स ने इस घर में करीब 10 दिन तक शूटिंग की। मकान मालिक का कहना था कि शूटिंग 3 कमरे और एक हॉल में होनी थी और मेकर्स ने रोज का 11,000 रुपए किराया देने का एग्रीमेंट किया था। मकान मालिक का आरोप था कि मेकर्स ने निर्धारित जगह के अलावा पूरे घर में शूटिंग की और इतना ही नहीं, उसके बड़े भाई के घर में भी शूटिंग की गई और इसी बीच उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा जिस वजह से उसने मेकर्स को 56 लाख का बिल देकर अपने घर में शूटिंग रोकने की मांग की। साल 2001 में सनी देओल व अमीषा पटेल गदर एक प्रेम कथा में नजर आए थे और 22 साल के बाद इन्हीं दो चेहरे को लेकर, आपको बता दें, बंटवारे पर बनी इस फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के आसपास ही फिल्म प्रोड्यूस इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया है और जिसे आज रिलीज कर दिया गया। आपको बताते चले कि गदर एक प्रेम कथा भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय के हालातों पर यह फिल्म बनाई गई है। अपने डायलॉग व गीतों के कारण काफी हिट हुई थी यह फिल्म और 22 साल बाद शुक्रवार को इस फिल्म को रिलीज भी किया जा रहा है। आपको बताते चले यह फिल्म को लेकर के सभी सिनेमा घरों में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है और गदर फिल्म को लेकर के गदर 2 से रिलेट किया जा रहा है कि क्या दर्शकों को अब गदर की जैसा गदर 2 देखने को मिलेगा या नहीं, वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यही तक थी और अवधि से मुझे इजाजत, तब तक ले बने रहे हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।